जो हम यहाँ पर फिजिक्स में यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कर रहे थे, गुरुत्वाकर्षण मैंने बताया था कि न्यूटन के अकॉर्डिंग लगने वाला बल एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर के आता है। दूसरा स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध बता दिया था, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होता है। और तीसरा मैंने ये बताया था जी के मान में परिवर्तन, ठीक ये बताया था। और इसमें से इसका एक पार्ट मैंने बता दिया था, ठीक है, आकार या आकृति के कारण, ठीक है, ये दो के कारण मैंने आपको एक के कारण बता दिया था। आज मैं आपको ऊंचाई के साथ, ठीक, ऊंचाई के साथ परिवर्तन बता रहा हूं। तो मान लो ये पृथ्वी है, एक पृथ्वी के पृष्ठ पर यहां पर जी, ये इसका मान जी है, त्रिज्या आर के मान के बराबर है। तो यहां पर हो, तो देखिए मैं यहां पर ये इसके पृष्ठ पर ये वस्तु का रखूं, तो यहां पर गुरुत्वीय त्वरण जी यहाँ पर कैलकुलेट होगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू जी, अब एच ऊंचाई पर यहाँ पर इसकी वैल्यू जी डैश कहलाती है, मान लिया मैंने। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, पृष्ठ पृथ्वी के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जी है और ऊंचाई एच पर इसका मान जी डैश है, ठीक। तो पृष्ठ पर इसका मान जी और ऊंचाई पर इसका मान कितना मान लिया मैंने, जी डैश। देखिए आपके पास क्या कंडीशन आ गई, पृष्ठ पर जी इक्वल टू कितना आ गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर एक। फिर आप देखिए एच ऊंचाई पर ये कितना आ गया आपके पास, जी डैश इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, समीकरण नंबर दो। तो एच डिस्टेंस पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, आर प्लस एच। आप क्या कर लीजिए, दो भागित एक से जी डैश अपॉन जी कर लीजिए, ये कितना आ गया, जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको इसमें भाग दे दिया, ये जी एम कैंसिल, तो हमारे पास कितना आएगा, अगर आप देखिए जी डैश अपॉन जी, तो ये हो जाएगा हर का हर अंश हो जाता है, ये हो गया आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस
एच होल स्क्वायर, ऊपर से आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, ठीक, नीचे से भी आर को कॉमन निकाल लो, तो स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा, यहाँ वन, इसके नीचे आर है नहीं, तो एच अपॉन आर होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू, ये आप ऊपर लेके आइए, तो वन प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर, ठीक, क्योंकि ऊपर जा रहा है इसलिए ये नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। अब देखिए दुई पद समय से आपके पास एक फॉर्मूला निकलता है, वन प्लस एक्स पावर एन इक्वल टू वन प्लस एन एक्स, यदि एक्स बहुत छोटा है एक के कंपेयर, ठीक, वैसे ही तो ये उठ के सामने आ जाता है। वैसे देखिए आप पृथ्वी से किसी भी वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर 300 मीटर पहुँच भेजेंगे, लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या कितने के बराबर है यहाँ पर 6400 किलोमीटर, तो ये आपके पास एक से बहुत कम हो जाता है, इसलिए जी डैश अपॉन जी कितने के इक्वल हो जाएगा, ये सामने आएगा वन माइनस टू एच अपॉन आर, इसका मतलब होता है जी डैश बराबर जी वन माइनस टू एच अपॉन आर, इसका मतलब है ऊपर जाने पर जी का मान कैसा हो जाता है, इतने फैक्टर से कम हो जाता है, ठीक, इसलिए ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन को शो करता है। थर्ड और लास्ट आप देखें, गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन देखिए मैंने क्या कर दिया, ये पृथ्वी को मान लिया ये, ठीक, तो ये यहां पर पृष्ठ पर पृथ्वी त्वरण जी, तो हमने यहां पर क्या मान लिया, इसका मान जी के इक्वल मान लिया, ये जी हो गया हमारे पास, ठीक, इसकी त्रिज्या कितने के बराबर है, आर के बराबर है। अब हम क्या कहे, पृथ्वी के अंदर एच गहराई पर या डी गहराई पर चले गए यहां से, ठीक है, ये आ गया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये डी गहराई पर, तो यहां पर जी का मान जी डैश कर लो, तथा यह राई पर यह है जी डैश है, तो देखिए पृष्ठ पर जी इक्वल टू एम अपॉन आर, तो देखिए हमने क्या कर दिया है, जब यहाँ रह रहे थे तो पृथ्वी का द्रव्यमान आप कैपिटल एम मान लो, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणित घनत्व अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा जी। पृथ्वी गोलाकार है, गोली वस्तु का द्रव्यमान आयतन कितना आता है, 4/3 पाई आर क्यू, घनत्व डी मान लीजिए अपॉन आर स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, जी कितना बचेगा, जी इंटू 4/3 पाई आर
थी समीकरण नंबर एक। ठीक इसी प्रकार सी प्रकार की गहराई, अपन डी गहराई पर चले तो जी की जगह अपन जी डैश कर देते हैं, ये हो जाएगा जी द्रव्यमान आप एम डैश मान लीजिए। जब आप यहाँ पे तो ये पृथ्वी कंसीडर कर रहे थे, डी गहराई पे गए तो आपको ये वाली पृथ्वी को कंसीडर करना पड़ेगा और इसकी त्रिज्या कितने के इक्वल हो जाएगी, आर माइनस डी के मान के बराबर आ जाएगी। ये कितना जाएगा, आर माइनस डी होल स्क्वायर। ठीक आपके पास क्या आ जाएगा, डी डैश इक्वल टू जी, एम डैश कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू की जगह आर माइनस डी होल क्यू, और ठीक डेंसिटी डी मान लो। ठीक और ये हो जाएगा आर माइनस डी होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो डी डैश इक्वल टू कितना जाएगा, जी इंटू 4/3 पाई आर डी इंटू डी समीकरण नंबर दो, दो भागित एक से। आप ये देख लीजिए जी डैश अपॉन जी, ठीक है जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, जी इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी इंटू डी अपॉन, जी की वैल्यू कितनी आ रही थी 4/3 पाई आर डी, ये डी डी कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 4/3 कैंसिल, जी डी कैंसिल, तो आर माइनस डी अपॉन आर। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर, ये कितना हो गया 1-D/R आ गया, इसलिए जी डैश बराबर जी 1-D/R के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, अगर अपन अंदर आते हैं तब भी जी का मान कैसा होता है, घट जाता है, अर्थात गहराई पर जाने पर जी का मान कम होता जाता। ठीक है ये वाला डेरिवेशन आप लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक